नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज में दुर्व्यवस्थाओं का लगा अंबार। हर काउंटर पर मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। मरीजों का कहना है कि हम लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। मौके पर पहुंची न्यूज फ्लैश की टीम ने मरीजों के तीमारदारों से जाना उनका हाल। देखिए वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये देवरिया का महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज का एक्सरे डिपार्टमेंट है। यहाँ हर डिपार्टमेंट में दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है। काफी देर से यहाँ लोग जो है लाइनों में खड़े हैं और इन लोगों की दुर्दशा ये है। अभी ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप कुछ करने का क्या करने का, एक्सरे करा रहे थे सर, पीछे से लोग घुस रहे हैं, लाइन वाले का कोई काम नहीं हो रहा। इन लोगों का कहना ये है कि लाइन वालों का कोई काम नहीं हो रहा है, मरीज स्टेशन पर पड़े हुए हैं और ये लोग काफी देर से खड़े हैं। आप कब से खड़े हैं? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से आए, देख लीजिए रिपोर्ट देख लीजिए। अभी दोपहर के 1:30 हो रहे हैं और ये 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और इन लोग का कंप्लेन ये है कि अंदर से लोग चले जा रहे हैं, करा ले रहे हैं और ये लोग लाइन में खड़े हैं। पैसा लेकर घुसाया जा रहा है, पैसे लेकर घुसाया जा रहा है, अंदर पैसे लेकर घुसाया जा रहा है, लाइन ये नहीं चल रही है। ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश। 9 बजे से। 9 बजे से। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। हाँ, 9 बजे से हम लोग खड़े हैं, रामपुर कारखाना। रामपुर कारखाना के रहने वाले रविंदर सिंह, आप लोग कब से, आप कब से खड़े हैं? सर हम सुबह से खड़े हैं, हाँ 8 बजे से। आपका क्या नाम है? इंद्रावती देवी। एक्सरे कराना है आपको? एक्सरे लड़के को कराना है। अभी तक आपका नंबर? नहीं, अभी नहीं आया। तो ये दशा है महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज के एक्सरे डिपार्टमेंट का। कमोबेश सारे डिपार्टमेंटों की यही दुर्व्यवस्था है। पब्लिक जो है त्रस्त है, परेशान है, लेकिन यहाँ की प्रशासन जो है इस चीज को ध्यान नहीं दे रही है। न्यूज फ्लैश टीवी के साथ वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।